हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो कल से जेक बोर्ड क्लास 9 का एग्जाम शुरू हो रहा है, फिर क्लास 9 के बाद क्लास 11 का शुरू हो जाएगा, उसके बाद क्लास 8 का। तो इस तरीके से टर्म 1 में आप लोगों का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, फिर भी काफी लोगों को डाउट रहता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा क्या। कोई बोल रहा है या दोस्त बोल रहे हैं या कोई पड़ोसी बोल रहे हैं या कोई सर बोल रहे हैं, ऐसा काफी ज्यादा कमेंट आता है या फिर व्हाट्सएप पर भी आता है, इंस्टा पर भी आते रहते हैं। तो देखिए, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा 100% श्योर, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं हार्ड वर्क पर ट्रस्ट करता हूँ, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ, ठीक है। आप याद करके जाइएगा, पढ़ कर जाइएगा, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने के बाद भी कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता है हम लोगों को, या कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स होता है जो हम लोगों ने कभी नहीं सुना है, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 2-3 महीना नहीं पढ़ाई किए, अभी 1-2 दिन से पूरा लगे हुए हैं कि कैसे करना होगा एमसीक्यू, हैराम। तो इस तरीके से होता है, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं मैं और बिजी हो जाता हूं तो एग्जाम के समय कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता हूं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये टिप्स है, ठीक है, कि एमसीक्यू क्वेश्चन को बिना पढ़े आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कीजिएगा तो बिना पढ़े सॉल्व कीजिएगा, समझ रहे हैं। 100% श्योर नहीं है कि सही होगा, बट कुछ चांसेस है, यानी कि 50% चांसेस से सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में जनरली 4 ही ऑप्शन मिलता है, और तुक्का लगाना है 4 ऑप्शन, ठीक है, तुक्का लगाना है। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो तुक्का मत लगाइएगा, बट जेक बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से आप लगा सकते हैं तुक्का। तो देखिए, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन को आप जानते हैं उसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जो आसान है या जो आप पढ़े हैं, जो जानते हैं उसे सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा, और तुक्का लगाने वाला काम सबसे लास्ट में करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ही तुक्का लगाने मत लग जाइएगा, ठीक है, सबसे लास्ट में तुक्का लगाया जाता है, या फिर सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आप नहीं बनाए हैं, नहीं जान रहे, उसको लास्ट में सॉल्व किया जाता है, शुरू से ही मत शुरू हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला चीज तो यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला चीज सबसे लास्ट में आपको तुक्का लगाना है, या फिर हार्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है, जो आसान है उसको पहले सॉल्व कीजिएगा, टेंशन फ्री होकर शुरू आसान आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, ऑप्शन आपका 4 रहेगा, कुछ लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे पहला नंबर का ए ऑप्शन सही हो गया तो दूसरा का भी ए शुरू सही कर देते हैं हम लोग, तीसरा का बी कर देते हैं, चौथा का बी, छठा का सी सी सी, इस तरीके से। तो पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पैटर्न बनाइएगा 100% श्योर कि आपका कुछ नंबर आने वाला नहीं है, पैटर्न बनाना ही नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ लोग करते हैं ए ए ए ए बी 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 सी 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 डी 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 डी, फिर ए ए ए ए बी 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 सी 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 डी 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 डी, गलत हो जाएगा, सबका सब पूरा लड्डू मिलेगा, ठीक है, पैटर्न बिल्कुल नहीं बनाना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, चलो यार समझ नहीं आ रहा है, सब में ए ए ए ए ए भर देते हैं, ठीक है, एक से लेकर जितना आखिरी क्वेश्चन है सबका सब में ए ए ए ए ए ए ए कर दिए, या कुछ लोग बी बी कर देते हैं, वैसा भी नहीं करना है, ठीक है, वो सब फालतू है, उसमें आपका नंबर नहीं आने वाला है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आंसर नहीं आ रहा है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा जो निकल के भागा, ऐसे 80-90 पूरे 100 ऐसे कर करके ऑप्शन करके कुछ भी आ जाए तो उसको टिक कर देते हैं, या फिर कुछ लोग भगवान के नाम पर, चलो भगवान के नाम पर ए ऑप्शन, भगवान के नाम पर दूसरा ऑप्शन, भगवान के नाम पर तीसरा ऑप्शन, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब सुनिए क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए, अगर सही गलत रहेगा ऑप्शन में, ट्रू फॉल्स रहता है, कभी कभी रहता है कि ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन तो रहेगा, उसमें से सही गलत ए बी दोनों नहीं और चौथा ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कभी भी सही गलत आए तो ज्यादा चांसेस है कि जो ऑप्शन सही वाला है वो सही रहेगा, 50% चांसेस है, ठीक है, कि जो ऑप्शन सही में दिया है, मतलब वाक्य सही है, सेंटेंस सही है, लिखा हुआ है, वो ऑप्शन सही होने का चांसेस 50% रहता है। तो ट्रू फॉल्स से मतलब सही गलत है, तो आप सही वाला को टिक कर दीजिएगा अगर आप नहीं जान रहे हैं तब, और जान रहे हैं फिर तो जान रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी इस तरीके का ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन रहता है, आप लोग जानते होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं रहा तो उसी को कर दीजिएगा, अगर ऑप्शन में इनमें से सभी रहा तो उसको कर दीजिएगा,
50% चांस है कि यही सही हो जाता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा केस है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना ए ऑप्शन, ना बी ऑप्शन, ना सी, ना डी, तो आप ऑप्शन बी पर कर सकते हैं, ये बस एक तुक्का लगाना है, ठीक है। इसका चांसेस 32-35%, ठीक है, मतलब 30-40% सही होने का चांसेस है ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए ज्यादातर जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो शुरू ऑप्शन गलत करके सेकंड को सही, फिर गलत गलत, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन बी को कर दीजिएगा अगर नहीं जानिएगा लास्ट में तब, ठीक है। तो ये सभी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, और सबसे बड़ा टिप्स तो मैं यही कहूंगा कि याद कर लीजिए अच्छे से, अभी भी टाइम है, लेकिन याद करने के बावजूद भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो इस तरीके से जो मैंने टिप्स दिया है इसको फॉलो कीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो यही था, टोटल 3-4 टिप्स मैंने दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड लास्ट में आप सभी एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।